वार्निश हो गया। रोहतक के सुंडाना फार्म में हमारे यहाँ आइए, आप देखिए कि हम यहाँ पे कितनी तरह की ऑर्गेनिक फसलें उगाते भी हैं और यहाँ पर हम नॉलेज भी शेयर करते हैं अपने फार्मर्स के साथ में। आज मैं एज एन आर्किटेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पा रही हूँ और लोगों को जोड़ पा रही हूँ, तो आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये नहीं कर सकता। हम लैब में करते थे, और क्यों करते थे हम सॉइल टेस्टिंग, यही जानने के लिए कि उसके अंदर किस तरह के। ये मोनिका ढाका हैं जो लोगों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह खुद भी एक जैविक किसान है। रोहतक के सुदाना में अपने खेत में वो दर्जनों तरह की सब्जियां उगाती हैं, वो भी ऑर्गेनिक खेती से। पहले वो आर्किटेक्ट थीं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि खेती की ही रही है, लेकिन उन्हें जैविक खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से वो जैविक खेती की ओर मुड़ गईं। बहुत ही बढ़िया साइज इसका हो रखा है और इसको भी तोड़ने का एक तरीका है। आज से 5 साल पहले अपने परिवार और अपने कुछ साथियों की मदद से मैंने ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू की और 2022 में okindia.com लॉन्च करी। तो 1997 में मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई कंप्लीट करी और उसके बाद आर्की ग्रुप नाम की कंपनी स्टार्ट करी। लेकिन 2014 में एक घर में एक ऐसी घटना हुई, मेरी मदर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसने हमारे पूरे परिवार को हिला दिया ये, और हम अपने आप को एक बहुत ही असहाय समझने लग फील हुआ कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो जब हमने इसका डीप डाइव किया, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने, तो ये जाना कि जाने अनजाने हम खुद ही केमिकल्स को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हैं और वो फूड के माध्यम से हमारे लाइफस्टाइल में एंटर कर चुका है और जिसके बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं। मोनिका मानती हैं कि जैविक खेती के लिए वैज्ञानिक शोध और जानकारी होना बेहद जरूरी है। पहले से ही पता होगा कि आपकी जो सॉइल क्वालिटी है वो किस तरह की क्रॉप के लिए बेटर है, तो ये आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ जिसके अच्छे रिजल्ट्स आए, जिससे क्रॉप की अच्छी यील्ड आए। ये नहीं कि आज सरसों का भाव बढ़ गया तो सरसों लगा लेंगे, तो चाहे आपकी ज़मीन उस सरसों के लिए तैयार है या नहीं है। गेहूं का भाव चढ़ गया तो गेहूं लगा देंगे, तो वो डिमांड और सप्लाई का बिजनेस एग्रीकल्चर है, लेकिन ये अपने आप में एक साइंस भी है। प्रोडक्शन के लेवल पे मैं बहुत सारे राजस्थान के किसानों से जुड़ी हुई हूँ और वो पूरी टक्कर देते हैं कन्वेंशनल फार्मर्स को कि, और उतनी ही उपज निकालते हैं जितने कि कन्वेंशनल फार्मर निकालते हैं। मोनिका की कंपनी ने एक ऐप बनाया जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जैविक उत्पाद के नाम पर बेची जा रही चीज असली में वैसी ही हो। मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था ट्रस्ट का, कि कंज्यूमर ये कहता है कि मैं कैसे मान लूँ ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, क्योंकि ना तो वो खेत पे आ सकता है तो वो कैसे देखेगा, तो एक वर्चुअल खेत वो कैसे देख सकता है कि और कहे कि हाँ मैं पे भी कर सकता हूँ, चलो आप महंगा कह रहे हो तो कोई नहीं मैं पैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं मान कैसे लूँ। तो ये ओके इंडिया की मुहिम थी जिसने डिजिटली कनेक्ट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कंज्यूमर से। तो एक तो उसने जाना भी कि वो होता कैसे है और माना भी कि हाँ ये ऑर्गेनिक है। मोनिका को लगता है कि जैविक फल सब्जियां आम लोगों के बजट में होने चाहिए। महंगी होती है वो आज तक का मिथ था, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सवाल ये है कि क्या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस महंगी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसका थोड़ा सा तो फ़र्क ये रहेगा क्योंकि फार्मर्स को अपने खेत की अटेंडेंस की ज़रूरत है, तो वो वर्क जो है आपका जो केमिकल कर रहा था वो उसको खुद करना है, तो लेकिन इतना भी महंगा नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस 20-25% ही हायर होना चाहिए ताकि मासेस तक ये पहुँच जाए। बतौर महिला दूसरे किसानों को इस मिशन से जोड़ पाना इतना आसान भी नहीं था। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज था वो ये था कि अपने ही गांव के लोगों को ये बिलीव कराना कि मैं एक महिला आकर आपके यहाँ पर
फार्मिंग कर रही हूँ और जिसको लीड भी कर रही हूँ, क्योंकि उनको इस चीज़ की आदत नहीं थी।